हेलो, आज की कम्युनिकेबल डिजीज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं और कोई भी लेक्चर सर्च कर सकते हैं। जस्ट सर्च बटन पे जाकर, सर्च ऑप्शन पे जाकर या चैनल को विजिट करके आप लिस्ट भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वहां से आप अपना टॉपिक देख सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु रोग है, जो लेप्टोस्पायरा के कारण होता है और ज्यादातर जो संक्रमित जानवर है उसके मूत्र के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या उससे कंटामिनेटेड हुई पानी, मिट्टी या भोजन के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। और आमतौर पर ये जो जानवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका संक्रमित यूरिन और ये जानवर है कैसे कौन, ज्यादातर ये रेट होता है, अदरवाइज और भी एनिमल हैं। लेप्टोस्पायरोसिस दुनिया भर में जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करता है और वहां से फिर मनुष्य में फैलता है, खासकर रेट, माइस और वोल्ट जैसे रोडेंट्स। इसका जो रिजर्वायर है उसके मूत्र से जो दूषित क्षेत्रों में यदि पशु, भेड़ बकरियां, भैंस, सुअर, घोड़े आदि जानवर ग्रेजिंग करते हैं, चराई करने जाते हैं, तो उनमें भी यह रोग फैल जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस को पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों में सबसे बड़ा, सबसे व्यापक माना जाता है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरी दुनिया में फैलता है। गर्म और जो नम एरियाज हैं उनमें इसका प्रकोप ज्यादा देखा जाता है। भारी वर्षा और बाढ़ के परिणाम स्वरूप भी ज्यादातर आउटब्रेक्स या एपिडेमिक्स होते हैं। यह रोग चावल के और गन्ने के खेतों, किसानों, मछली श्रमिकों, खनिकों, पशु चिकित्सकों, पशुपालन, डेयरी और बुचड़ खानों में काम करने वाले सीवर श्रमिक और सैन्य, जो सेना में जो काम करें सैनिक, स्पेशली जहां पर ज्यादा एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं, वहां पर एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है इन लोगों के लिए। घरेलू और जंगली जानवरों के मूत्र से जो दूषित नदी या जो लेक है, नहर है, झील है, उसके संपर्क में आने वालों पर भी इसका प्रकोप हो सकता है। तो इसका मतलब ये काफी तेजी से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? त्वचा के संपर्क में कोई भी, उस यूरिन के डायरेक्ट संपर्क या उससे इन्फेक्टेड कोई भी पानी, खाना, इवन अगर वो इन्फेक्टेड यूरिन इसमें स्विमिंग पूल में है और वहां पर जो नहा रहे हैं उनमें भी ये फैल सकता है, क्योंकि अगर स्किन में कट है तो वहां से अदरवाइज म्यूकस मेम्ब्रेन से भी ये एंटर कर जाता है। इसके अलावा कंटामिनेट भोजन तो आपने देख लिया, अगर पानी, पीने का पानी भी यदि कंटामिनेटेड है तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं और जिस डिजीज के फैलने के तरीके जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ही तेजी से स्प्रेड होती है। साइन और सिम्टम क्या होंगे? सामान्य लक्षण है अचानक शुरुआत होना, बुखार की, सरदर्द, ठंड लगना और गंभीर मामलों में माइल्जिया हो जाता है। माइल्जिया मीन्स मसल्स में पेन, स्पेशली काफ और थाई मसल में काफी पेन होता है। कंजक्टिवल सफ्यूजन हो जाता है और अन्य लक्षण जो हो सकते हैं वो है डाइफेजिक फीवर, मेनिनजाइटिस, हेमोलाइटिक एनीमिया, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में रक्तस्राव। अच्छा, डाइफेजिक फीवर क्या होता है? डाइफेजिक फीवर मतलब एक बार फीवर हुआ तेज, फिर नॉर्मल आ गया और फिर से तेज, उससे भी तेज हो गया, तो उसको हम डाइफेजिक फीवर कहते हैं। हिपेटोरिनल फेलियर हो सकता है, पीलिया हो सकता है, मानसिक भ्रम भी हो सकता है। जैसे जैसे आगे ये रोग बढ़ता जाता है प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, डिप्रेशन, मायोकार्डाइटिस, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट और उसमें रक्तस्राव हो सकता है लंग्स में, हिमोटाइसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो एंडेमिक एरियाज है वहां ये ज्यादातर माइल्ड देखा जाता है, बहुत माइल्ड होता है, कई बार ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और कई बार तो ऐसा होता है कि इसको डायग्नोज बिना हुए ही वो ठीक भी हो जाता है। ऐसे लोग ज्यादा, इस ऐसे जो जानवर हैं या लोग हैं वो
जो है करियर के रूप में भी काम कर सकते हैं। क्लिनिकल यदि स्टेज देखें इसकी इलनेस की, तो उसमें पता लगेगा कि इसके दो फेजेस होती हैं। पहली फेज होता है लेप्टोस्पायरोमिक या ज्वर चरण, जिसमें जो अभी हमने लक्षण देखे वो होते हैं। ये सामान्यतः 4 से 9 दिन तक का रहता है, और उसके बाद लगभग 6 से 12 दिनों के बीच में कन्वलसेंट पीरियड होता है, जो रिकवरी वाला होता है। बट यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है। डेथ मुख्य रूप से किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कार्डियो पल्मोनरी फेलियर और बहुत ज्यादा ब्लड जो है ब्लीडिंग के कारण होता है, रक्तस्राव के कारण हो सकता है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए जो लेप्रोस्पाइराज हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, यानी एंटीजन टेस्ट किया जाता है। यूरिन में लगभग 7 दिन के बाद आ जाता है, और ब्लड में थोड़ा जल्दी आ सकता है। इसके अलावा कल्चर भी करवा सकते हैं, बट कल्चर में काफी टाइम लगता है, लगभग 1 से 6 वीक में ये पॉजिटिव शो करता है। तो बेस्ट सिस्टम है आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट, आईजीएम एलाइजा टेस्ट, जो 2 दिन में भी पॉजिटिव आ सकता है यदि है तो। ये टेस्ट हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? लेप्टोस्पायरा जो है वो एंटीबायोटिक्स के प्रति काफी सेंसिटिव होता है, तो पेनिसिलिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये भी काफी इफेक्टिव है, इनका भी यूज किया जा सकता है। और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है, जैसे पेन किलर हो गया या एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गई, और रेस्ट, इस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। और मुख्य ध्यान दिया जाता है प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन करने के लिए बेस्ट सिस्टम है वैक्सीनेशन किया जाए, तो रूटीन वैक्सीनेशन तो नहीं करते हैं इसका, बट हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट किया जा सकता है, एक वैक्सीन अवेलेबल है। बीमारी को रोकने के लिए किसानों और पालतू जानवरों को टीकाकरण की इसकी रिकमेंडेशन की जाती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल मेजर्स हैं, जिसमें जो कंटामिनेशन है उसको रोकते हैं। कंटामिनेशन रोकने के लिए बेस्ट है कि आप पेस्ट कंट्रोल की रोडेंट्स को कंट्रोल करें, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, और कचरे का उचित निपटान करें। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, सभी प्रकार के जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसको रोकथाम में हेल्थ एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ भी इस रोग के फैलने और बचाव के बारे में हम यदि आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दें तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे जो वहां काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके लिए जूते, दस्ताने, एप्रन या आदि देकर भी हम उनके जोखिम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कीमोप्रोफाइलेक्सिस, ये रेकमेंड तब किया जाता है कि जब हाई रिस्क एरिया में कोई विजिट कर रहा हो, तो साप्ताहिक खुराक 200 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन एक साथ दे सकते हैं, और वो उस समय तक देना होता है जब तक कि वो रिस्क एरिया में है। अन्य उपायों में रोगी का आइसोलेशन, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन और ट्रीटमेंट, ये शामिल होता है। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक जो पेज है माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का, वो लाइक कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com, वहां आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। और फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।